अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो घरों से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे, भगवान सब एक ही हैं, ये कहना है ओपी राजभर का। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें, इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे, भगवान सब एक ही हैं। उधर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर के बयान को गलत बताया। उनका यह कहना है कि जल चढ़ाना भी पूजा पद्धति का एक तरीका है और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है। ऐसे में जो चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है उसे लेकर मुसलमानों को मंत्री जी कोई मशवरा न दें। जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है और इस्लाम में ये नाजायज़ है, इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मजहब में उसके मान जिस मजहब का वो मानने वाला है वो मजहब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि उस मजहब के वो अनुयायी नहीं है। बात करते एक और बड़ी खबर की, नीट विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए दो दिनों के भीतर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए। इसके साथ ही फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कोर्ट ने कहा कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ेगा। कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया, जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा, किसकी दवा में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। हालांकि इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार की, हमारी मंत्रालय की पहले से ही स्टैंड थी कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा
उस आदेश को हम मानेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बार बार ये दोहराया है, हाउस में भी उन्होंने बोला है कि हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। और जिस तरीके से ये ऑर्डर आया और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड जी ने जो ऑब्जर्वेशन रखा उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जा सकता है कि बड़ी तरीके से कोई लीकेज हुआ है या ब्रिज इन द प्रोसीड्योर हुआ है। शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती थी पहले दिन से। देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी, क्योंकि जोशी पहले भी बीजेपी के इशारे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहे हैं और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन्स और नौकरियों में कुछ ना कुछ उनकी मदद की हो। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना का उद्धव गुट और जेएमएम की तरफ से फैसले पर सवाल खड़े किए गए। Every examination during the course of this government, there are leaks not justly in the NEET exam, but in every exam in every state. The question is who is involved, for whose benefit is this government, and this is all happening in BJP-ruled states mostly. अभी सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस पर तो कोई कटिकारी नहीं हो सकती है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से पेश आए, आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी बहुत है और ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे नीट का एग्ज़ाम्स देते हैं, जो वर्षों से पेट काट काट के उनके पेरेंट्स पैसे जमा करते हैं उनके ट्यूशन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर फ्रॉड करने का बड़ा आरोप लगाया। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है? किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं, 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे? जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर नीट मामले में सियासत करने का आरोप लगाया, साथ ही विपक्ष के बेवजह हंगामा करने को गलत बताया। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो धोखा है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, क्योंकि हमारा देश में जितने IAS, IPS, IFS, जितना भी एलिट क्लास के कोई भी सर्विसेज हो, या IIT हो, IIM हो, मेडिकल का जितना भी एग्जामिनेशन होता है, उसको फ्रॉड कहना ये देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है।